हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स के ट्रेलर के ऊपर। और मैं पहले बता दूं कि मूवी शायद कॉमिक से हटके थोड़ी अपने ग्रीक माइथोस को फॉलो करेगी। अब वो कैसे, चलो वीडियो में बताता हूं। तो शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स का ट्रेलर आया कल रात 11 बजे के बाद, और ट्रेलर को देखने के बाद और शज़ाम विज़ार्ड के बातों को सुनने के बाद मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। ट्रेलर में हम शज़ाम विज़ार्ड को ये कहते हुए देख रहे हैं कि एटलस के डॉटर्स आ रही हैं, तो बात आती है कि शज़ाम का कैरेक्टर बैकग्राउंड बिलोंग करता है ग्रीक माइथोस से और एटलस भी एक ग्रीक गॉड ही है, तो फिर एटलस के डॉटर्स का आना एक थ्रेट क्यों है? और इस सवाल के जवाब के लिए चलो चलते हैं खुद ग्रीक माइथोलॉजी में। तो ग्रीक माइथोलॉजी का वो दौर जब ओलंपियंस और टाइटन्स के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी जिसे टाइटेनोमैकी का नाम दिया गया था, तो वो जंग में टाइटन्स की अगुवाई करी थी एटलस और उसके भाई मेनोटियोस ने, और ओलंपियंस की तरफ से लड़े थे ज़ूस, प्रोमीथियस और हेडीस। उस जंग में ज़ूस जीत गया था और मेनोटियोस को टार्टरस में बैनिश कर दिया गया था, और सजा के तौर पे एटलस से कहा गया था कि तुम अर्थ के सुदूर पश्चिम छोर पे जाके आसमान यानी पूरे सेलेस्टियल एग्जिस्टेंस को उठाए रखोगे, और वहीं से वो सिंबल आप सबने देखना शुरू किया जहां एक ह्यूमन फिगर पूरे अर्थ को उठाए हुए है, तो वो एक्चुअली एटलस ही है जिसे पूरे सेलेस्टियल स्फीयर को उठाया है। अब इस कहानी का जिक्र अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग तरह से है। हेसियोड के थियोगनी में अलग है, तो होमर के ओडिसी में इसका जिक्र थोड़ा और अलग है, बट सोल ऑफ द स्टोरी सेम है, यानी ज़ूस और एटलस में बिल्कुल नहीं बनती थी। तो देखा जाए तो DCEU शायद से, देखो मैं कंफर्म नहीं कर रहा अभी मैं बोल रहा हूं, बट शायद वो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि सालों बाद वापिस से एटलस की डॉटर्स अब दोबारा ट्राई कर रही हैं अपने पिता एटलस को फ्री करने का और दोबारा से एक नया जंग छेड़ने का ओल्ड गॉड्स यानी ओलंपियंस के अगेंस्ट। अब चूंकि शज़ाम की पावर्स ओलंपियंस से ही डिराइव्ड हैं, तो शज़ाम इज समवॉट लाइक अ ग्रीक चैंपियन जिसे ओल्ड गॉड्स के बिहाफ में लड़ना ही होगा, वरना अगर एटलस रिवाइव हुआ तो वो सबसे पहले ओल्ड गॉड्स की बनाई हर चीज तबाह कर देगा जिसमें खुद ह्यूमैनिटी भी आती है। कॉज अगर आपने ग्रीक माइथोस फॉलो किया हो, देन ज़ूस के ही कहने पे प्रोमीथियस और एपीमीथियस ने मिलके ह्यूमंस को और लाइफ फॉर्म्स को बनाया था, एंड एटलस अपना रूल एस्टैब्लिश करने के लिए शुरुआत यहीं से कर सकता है कि ज़ूस के क्रिएशन को खत्म करना शुरू करो। एंड वो जो ट्रेलर में सीन है कि जमीन धीरे धीरे फट रही है, वो भी थोड़ा जस्टिफाई हो जाएगा कि एटलस जाग रहा है इसलिए धरती वो सहन नहीं कर पा रही है। अब देखो गाइस, मुझे आप सबका तो नहीं पता बट मैं इन तरह के सिंबोलिज्म का बहुत बड़ा फैन हूं, यानी जब मूवी में रियलिज्म लाने के लिए वो किसी रियल वर्ल्ड से रेफरेंसेस पिक करते हैं और उन्हें सिंबॉलिक वे में यूज करके मूवी के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। अब ये बात DC बहुत पहले से करता आया है और इस बार यानी फेज 4 से MCU ने शुरू करा है। DCEU पहले से ही इस एलिमेंट को बनाए रखी थी, चाहे वो क्लार्क केंट का चर्च जाके फादर से क्वेश्चन कर रहा हूं और पीछे शीशे में जीसस को गार्डन ऑफ गेथसिमेन में देख सकते हैं, एंड ये एक्चुअली दी होली बाइबल के गॉस्पेल ऑफ मार्क में है जहां क्राइस्ट लॉर्ड से अपने सवालों का जवाब मांगते हैं, और ये सिंबलिज्म के साथ चर्च में क्लार्क भी जवाब मांग रहा था, या फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में लेक्स का डायलॉग था कि इफ गॉड इज ऑल गुड देन ही कैन नॉट बी ऑल पावरफुल एंड इफ ही इज ऑल पावरफुल देन ही कैन नॉट बी ऑल गुड। अब ये कोट भी एक्चुअली एक ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस की ही है, तो ये सब सिंबलिज्म ना एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग स्टोरी एसेंस दे देती है आपके प्लॉट को, तो वो अगर इन सभी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने वाले होंगे तो मजा आ जाएगा, कॉज इससे मूवी अपने चाइल्डिश पार्ट के साथ एक हैवी प्लॉट भी बनाए रख पाएगी। वहीं ट्रेलर में कुछ ईस्टर एग्स तो नहीं कह सकते बट रेफरेंसेस जरूर थे, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का फैमिली वाला लाइन, अब ये लाइन तो सबने जान रखा है, तो एनीथिंग फॉर फैमिली। और एक छोटा सा रेफरेंस है एनाबेल का, जब वो पीडियाट्रिशियन बात करते करते दूसरी तरफ पलटता है उस वक्त हम एनाबेल डॉल को देख सकते हैं। इन सब के अलावा ट्रेलर एक्चुअली अच्छी वाइब्स दे रहा था, तो इस बार शज़ाम फैमिली को फोकस में रखा जा रहा है, जो कि अच्छी बात भी है बिकॉज नो वन लीव्स यू इन फैमिली। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने क्विकली बात की शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स के ट्रेलर के ऊपर। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो। और ऐसे सुपर ऑसम कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।